आज से लगभग 540 साल भविष्य में एक महायुद्ध हुआ जिसको द फॉल कहा गया। ये परमाणु युद्ध इतना शक्तिशाली था जिसकी वजह से पृथ्वी तबाह हो गई, लेकिन कुछ लोग बच गए। फिर उस युद्ध के 300 साल बाद उन बचे कुचे लोगों ने दो शहर बनाए। एक शहर जहाँ बेहद अमीर लोग रहते थे, उस शहर को जालिम स्काई सिटी कहा जाता है। ये हवा में झूलता हुआ शहर होता है। दूसरे जहाँ मिडिल क्लास जो संघर्ष के साथ रोजमर्रा का अपना जीवन बिताते हैं, उस शहर को आयरन सिटी कहा जाता है। ये जमीन पर ही बना था। स्काई सिटी वाले अपना सारा वेस्ट आयरन सिटी के डंपिंग यार्ड में फेंका करते हैं। उसी डंपिंग यार्ड में एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर ईडो है, अपनी डिवाइस की मदद से अपने लिए जरूरी सामान को खोजता है, तो उसको वहाँ एक बहुत बुरी हालत में टूटा हुआ साइबोर्ग का ऊपर वाला हिस्सा मिलता है। वो उसे चेक करता है तो वो पाता है उस साइबोर्ग का दिमाग अभी भी जिंदा है। वो उसको तुरंत अपनी लैब में ले आता है और उसको एक नया शरीर देता है। असल में इस समय के लोग इतने ज्यादा एडवांस होते हैं, अगर उनके शरीर में दिमाग को छोड़कर सब कुछ नष्ट भी हो जाए तो वो उस इंसान को साइबोर्ग चलती फिरती मशीन बना देते थे। अब डॉक्टर ने जिसको शरीर दिया था वो अगली सुबह जागती है और अपने हाथों और शरीर को देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर डॉक्टर इडो उसकी अच्छे से जांच करता है। वो बोलती है मुझको भूख लगी है, तो डॉक्टर उसको संतरा खाने को देता है। वो संतरे को उसके छिलके सहित खाती है तो उसका मुंह कड़वा हो जाता है। इससे डॉक्टर समझ जाता है कि इसके सारे सेंसेस अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर से कहती है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझको कुछ याद नहीं आ रहा। तो डॉक्टर उसको सारी बात बताता है और कहता है तुम्हारी साइबोर्ग बॉडी में ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका था, तो मैंने तुमको ये नई बॉडी दी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के जिंदा रहने की वजह से तुमको कुछ तो याद होगा। तो डॉक्टर को बताती है कि मुझको तो मेरा नाम तक याद नहीं है, और कहकर रो पड़ती है। डॉक्टर उसके आंसू पोंछता हुआ उसको संतरे की फांक खिलाता है। वो उसको खाकर बहुत अच्छा महसूस करती है। डॉक्टर उसको एक नाम देता है, अलीटा। उसको सुनकर वो खुशी से डॉक्टर के गले लग जाती है। फिर डॉक्टर अलीटा को शहर दिखाता है। अलीटा उसे स्काई सिटी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताता है उस शहर का नाम है जालिम। द फॉल के बाद सिर्फ यही एक बचा था, तो दुनिया भर के लोग जो युद्ध में बच गए थे वो यहाँ आयरन सिटी में आकर बस गए, और यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति स्काई सिटी के लिए ही काम करता है। तो अलीटा ऊपर जाने की बात पूछती है तो डॉक्टर कहता है आज तक कोई वहाँ ऊपर नहीं गया क्योंकि हमको वहाँ जाने की मनाही है। फिर डॉक्टर एक दुकान से कुछ सामान लेने जाता है। वहीं बाहर बैठी अलीटा को एक पैम्पलेट मिलता है। उससे उसको पता चलता है यहाँ कोई ऐसा है जो अब तक 6 औरतों को मार चुका है और उस पर 20,000 का इनाम रखा हुआ है। तभी उसके सामने सेंचुरियन आ जाता है। उस जैसे अनेक रोबोट्स को वहाँ की न्याय व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया था। अलीटा को उससे खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ जाती है, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम ह्यूगो होता है वो अलीटा को बचा लेता है। फिर वो अलीटा की बॉडी देखकर हैरान होता है जो इतनी खूबसूरती के साथ बनाई और तराशी गई थी। अलीटा उसको बताती है डॉक्टर ने उसको डंपिंग यार्ड से उठाया है। अलीटा की बात सुनकर जैसे ही ह्यूगो उससे कुछ कहने वाला होता है तभी डॉक्टर वहाँ आकर अलीटा को ले जाता है। फिर उसी रात एक और महिला की हत्या हो जाती है। उसकी चीखने की आवाज से अलीटा अपनी नींद से जाग जाती है। वो अपना दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर देखती है उसको डॉक्टर बाहर से आता दिखाई देता है और उसके हाथ पर बड़ा सा ताजा घाव लगा होता है। अलीटा उस घाव को देखकर कुछ समझ नहीं पाती। अगली सुबह वो डॉक्टर के हाथ पर पट्टियां देखती है। वहाँ उसको डॉक्टर के एक मरीज से पता चलता है कि रात एक महिला की और हत्या हो गई। अलीटा को अब डॉक्टर पे शक होने लगता है। फिर वो ह्यूगो से मिलने के लिए निकल जाती है। बाहर उसको एक महिला रोककर उसके शरीर को देखती है। अलीटा उससे अपना हाथ छटककर वहाँ से चली जाती है। उस महिला का नाम शेरिन है और वो डॉक्टर की एक्स वाइफ थी, क्योंकि अलीटा की वो बॉडी उन दोनों ने मिलकर अपनी बेटी के लिए बनाई थी, इसीलिए शेरिन उसको देखकर हैरान हो गई थी। अलीटा ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो और उसके दोस्त गेम खेल रहे थे। अलीटा भी उनके साथ खेलती है और बहुत जल्दी सीखती है। गेम के बाद ह्यूगो उसको घर छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर ले जाता है। फिर वो उसको चॉकलेट खिलाता है। अलीटा को बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ अलीटा वो एक शिकारी योद्धा दिखाई देता है जिसका नाम है जपैन। अलीटा ह्यूगो से जपैन की तलवार के बारे में पूछती है तो ह्यूगो उसको बताता है हमारे यहाँ बंदूकें रखना अवैध है, अगर किसी के पास मिलती है तो उसकी सजा सजाए मौत है।
दूसरी तरफ शेरिन डॉक्टर को फिर से एक साथ काम करने का ऑफर देती है, जिससे वो मोटरबॉल स्पोर्ट्स के लिए एक अनडिफीटेड चैंपियन बना सके। ऐसा करने से शेरिन वापस जालिम जा सकती थी, क्योंकि इस काम में वेक्टर उसका साथ दे रहा था, जो आयरन सिटी और मोटरबॉल स्पोर्ट्स का हेड था। पर डॉक्टर शेरिन को समझाता है ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आयरन सिटी से स्काई सिटी पहुंच जाए, और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। अगली सुबह ह्यूगो अलीटा को अपनी सीक्रेट जगह ले जाता है और वहां उसको बताता है स्काई सिटी में सारा सामान हमारे यहां से इन कार्गो ट्यूब्स के जरिए जाता है, पर ये इंसानों के लिए नहीं है। और अगर मैं तुम्हारे जितना मजबूत होता तो मैं इस पर चढ़कर स्काई सिटी चला जाता। तो अलीटा उसको याद दिलाती है हम वहां नहीं जा सकते। तो ह्यूगो उसको बताता है पर तुम वहीं थी, तुमने वहां ऊपर सब कुछ देखा है, तुम डंपिंग यार्ड से मिली थी और वहां की हर एक चीज स्काई सिटी से ही फेंकी गई है। तो अलीटा उससे कहती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है और हो सकता है कि शायद मैं इतनी जरूरी ना हूँ, इसलिए मुझे कचरा समझकर फेंक दिया हो। फिर उस रात अलीटा चुपके से डॉक्टर का पीछा करती है, वो देखती है डॉक्टर किसी महिला के पीछे जा रहा है। तो अलीटा को समझने में देरी नहीं लगती कि महिलाओं का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही है। इससे पहले डॉक्टर उसे अपने हथियार से मारे, अलीटा बीच में आकर डॉक्टर को उस महिला पर हमला करने से पहले ही रोक देती है। अलीटा के ऐसा करने की वजह से उल्टा डॉक्टर ही कुछ हथियारों के बीच में फंस जाता है, जहां उनका सरदार ग्रेविशा भी होता है। अब वो हथियारे डॉक्टर को घेर कर मारने ही वाले होते हैं, तभी अलीटा डॉक्टर को बचाने के लिए एक हमलावर पर हमला करके उसको सिर्फ अपने घूंसों से ही मार देती है। डॉक्टर अलीटा का ये रूप देखकर चौंक जाता है, तभी दूसरी हथियारन अलीटा पर हमला कर देती है, पर अलीटा उसके वारों से खुद को बचाती चली जाती है। फिर उछलकर एक किक से उस हत्यारन को भी मार देती है। उसको मरा देख ग्रेविशा खुद अलीटा को मारने आता है, तो अलीटा हवा में कूदकर उस पर वार करती है। तभी अलीटा को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो चांद पर लड़ रही है और वहाँ उसके साथी उसको 99 कहकर बुला रहे हैं। अलीटा की वार की वजह से ग्रेविशा का एक हाथ टूट जाता है। फिर वो डॉक्टर का हथियार उठाकर उसको वापस अंडरग्राउंड जाने पर मजबूर कर देती है। अलीटा अब अपने फ्लैशबैक के बारे में डॉक्टर को बताती है। इससे पहले डॉक्टर कुछ बोलता वो एक बिल्डिंग के आगे अपना शिकारी योद्धा का आईडी दिखाकर अकेले अंदर जाता है। वहाँ उस हत्यारन का सिर जमा करता है और उस पर लगे इनाम को लेकर बाहर आता है। अलीटा उससे कहती है तुम मेरे बारे में जितना बता रहे हो उससे कहीं ज्यादा जानते हो, और पूछती है मैं कौन हूँ और ये शरीर आखिर किसका है। तो डॉक्टर उसको घर ले आता है, वहाँ अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर बताता है ये शरीर मेरी बेटी के लिए था और उसी का नाम अलीटा था। उसके पैर बीजान थे इसीलिए ये मैंने उसके लिए बनाया था, लेकिन वो कभी इसको पहन नहीं पाई क्योंकि मेरा एक मरीज जिसको मैंने मोटरबॉल रेस के लिए बनाया था एक रात वो मेरे घर आया और दवाइयाँ ना मिलने के कारण पागल सा हो गया। अलीटा गलती से उसके रास्ते के सामने आ गई तो वो उसको मार कर वहाँ से भाग गया और शेरिन ने मुझे छोड़ दिया और अब इसलिए मैं शिकारी योद्धा बना। अब मैं तब तक उन जैसे हथियारों को मारता रहूंगा जब तक मैं खुद न मर जाऊं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को बताता है तुम्हारा दिल इतना ज्यादा ताकतवर है जो आयरन सिटी को कई सालों तक बिजली दे सकता है, ये खोई हुई टेक्नोलॉजी है जो द फॉल से पहले की है। तो अलीटा हंसते हुए पूछती है तो क्या मैं 300 साल पुरानी हूँ। तो डॉक्टर उससे कहता है हाँ तुम हो, और जो फ्लैशबैक तुमने देखे हैं वो तुम्हारी पिछली जिंदगी के थे। अलीटा ये बात जानकर डॉक्टर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ ग्रेविशका शेरिन के पास आकर उसको बताता है मेरी ये हालत डॉक्टर की साइबर गर्ल ने बनाई है, मेरी मदद करो। शेरिन उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, आखिर उस लड़की ने इतने बड़े हथियारे की इतनी बुरी हालत कैसे कर दी। शेरिन ग्रेविशका को अपग्रेड करने लगती है, तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। शेरिन विक्टर को ग्रेविशका के दिमाग में लगी कैली चिप दिखाती है जो स्काई सिटी से ऑपरेट हो रही थी। तभी नोवा जो स्काई सिटी का हेड था वो उस चिप की मदद से ग्रेविशका के थ्रू बात करता है। इस समय ग्रेविशका की आंखें नीली हो जाती हैं। वो पूछता है इसकी ये हालत किसने की। तो शेरिन उसको सारी बात बता देती है और उससे पूछती है आखिर एक लड़की इस जैसे खूनी दरिंदे का यह हाल कैसे कर सकती है। तो नोवा उसे बताता है उस लड़की की विल पावर बहुत ज्यादा है और वो पेंजर कुंस्ट मार्शल आर्ट
पहचान दी है जो आज से 300 साल पहले लुप्त हो गई थी और कहता है तुम ग्रिविष्का को फिर से बनाओ और ये उस लड़की को मेरे पास लाएगा, वो भी मुर्दा। फिर नोवा वेक्टर की बॉडी में आकर शेरिन को ऑफर देता है कि तुम ग्रिविष्का को एडवांस अपग्रेड करो तो मैं तुमको स्काई सिटी भेज दूंगा। शेरिन तैयार हो जाती है। उसके बाद एलिटा ह्यूगो के साथ मोटरबॉल रेसिंग स्पोर्ट्स को देखने आती है। ये साइबोर्ग ग्लेडिएटर्स द्वारा खेला जाने वाला एक खूनी खेल होता है। एलिटा उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वह ह्यूगो के दोस्त उसको किसी जरूरी काम के लिए साथ चलने को बुलाते हैं। वो एलिटा को वहीं छोड़कर उनके साथ चला जाता है। वो सभी बाहर जाकर एक साइबोर्ग को पकड़कर उसका हाथ काट देते हैं। फिर उसको वेक्टर को बेच देते हैं। असल में ह्यूगो और उसकी टीम सबसे नजर चुरा कर वेक्टर के लिए काम करती थी। अगले दिन ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ एलिटा को घुमाने के लिए शहर के बाहर ले जाता है और वहाँ उसको बताता है महायुद्ध की आखिरी रात जब दुश्मनों ने हम पर आखिरी हमला किया तो पूरी पृथ्वी जल गई, तो सारे स्काई सिटी तबाह हो गए, सिर्फ अकेला जालिम बचा। अब दुश्मनों का एक स्पेसशिप क्रैश होकर यहाँ गिर गया। एलिटा जैसे ही उसको देखती है तो वो सबको कहती है कि मुझको कमांड डेक तक जाना होगा, लेकिन सब उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। एलिटा अकेले ही पानी में कूद कर शिप के अंदर चली जाती है और शिप के कोर को खोल कर वहाँ अपने आप एक कोड डालती है। तभी उस शिप के सामने की शील्ड हट जाती है और एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट उसको मिलता है। वो उसको लेकर बाहर आ जाती है। वो उसको डॉक्टर के पास ले जाकर खुद को उसमें अपग्रेड करने वो कहती है, पर डॉक्टर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तो एलिटा गुस्सा होकर उनसे कहती है तुम क्यों मुझको मेरी असलियत से दूर करना चाहते हो? तो डॉक्टर उसको बताता है इस सूट को बिजेकर कहते हैं, ये एक ह्यूमनॉइड वेपन सिस्टम है और इसको मार्स पर रहने वाले लोगों ने बनाया था और तुम्हारा कोर इस तरह के सूट के साथ जुड़ने के लिए ही बनाया गया है। तुम्हारी आईडी ने ही इसको एक्टिवेट किया है और इस सूट की वजह से ही तुम जिस मार्शल आर्ट का प्रयोग करती हो उसका प्रयोग तुम पूरी तरह से कर सकती हो और उसी मार्शल आर्ट की वजह से तुम बिना हिचकिचाहट किसी से भी लड़ जाती हो। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो, तुम अब तक के इतिहास में बनाया गया सबसे एडवांस साइबोर्ग हथियार हो और इसी के लिए मैं तुमको इससे कभी नहीं जोड़ूंगा। एलिटा उसकी बात सुनकर सीधा खुद को शिकारी योद्धा के रूप में रजिस्टर करने के लिए चली जाती है और अपना आईडी कार्ड ह्यूगो को दिखाती है। वो उसके साथ सीधा कैंसिस बार जाती है जहां सिर्फ शिकारी योद्धा ही जा सकते थे। एलिटा वहां पहुंचकर सबसे ग्रिविष्का को मारने के लिए मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, तो वो वहां मौजूद जापान को उकसाती है। जापान जैसे ही गुस्से में आकर उस पर हमला करता है तभी एलिटा उसको मार मार कर अधमरा कर देती है। उसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी शिकारी योद्धाओं को फाइट के लिए चैलेंज करती है और कहती है अगर मैं जीती तो तुम सब मेरे साथ मेरे लिए लड़ोगे। फिर एलिटा एक एक करके सबको मारने लगती है जिसकी वजह से वो लोग आपस में भी लड़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ आकर उन सबको रोक देता है। ग्रिविष्का भी वहाँ आ जाता है जो पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड होता है। ह्यूगो देखता है कि जो हाथ उसने वेक्टर को चुरा कर दिया था वही हाथ ग्रिविष्का के लगा हुआ है। वहाँ आकर ग्रिविष्का कहता है मुझको सिर्फ ये लड़की चाहिए। उसके बाद सुनकर सब हट जाते हैं। एलिटा उसके सामने आती है। तभी उनके बीच में डॉग मास्टर का डॉग आ जाता है। ग्रिविष्का उसको मार देता है। डॉग मास्टर ये देखकर गुस्सा हो जाता है। ग्रिविष्का एलिटा को चैलेंज करके उसको अपने पीछे अंडरग्राउंड में बुलाता है। एलिटा उसके पीछे कूद पड़ती है। अब वहाँ उनकी भयंकर लड़ाई होती है, पर इस बार ग्रिविष्का एलिटा को टुकड़ों में काट देता है। अब उसका सर, धड़ और एक हाथ ही बचता है। तभी उसको फ्लैशेज आते हैं जहाँ ट्रेनिंग में उसकी मास्टर उससे कहती है हम कभी हार नहीं मानते, और वो उसको नोवा का चेहरा दिखाकर कहती है हमको इस राक्षस को मारना है। तभी एलिटा अपने बचे हुए एक हाथ पर खड़ी होकर उसी से जंप लेकर ग्रिविष्का की आंख में अपना हाथ घुसा देती है। ग्रिविष्का दर्द से चीख पड़ता है। तभी एलिटा खुद ही अपना हाथ तोड़ देती है। इससे पहले ग्रिविष्का एलिटा को मार पाता तभी वो डॉक्टर रीडो, ह्यूगो और डॉग मास्टर आकर ग्रिविष्का को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब डॉक्टर उसके बचे हुए हिस्से को घर लाता है और उसको बिजे का सूट में ट्रांसफर कर उसको उस सूट से जोड़ देता है। उससे जुड़ते ही वो सूट एलिटा की बनावट के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है। डॉक्टर ये सब देखकर हैरान होता है। अगले सुबह एलिटा जागती है और उस सूट के साथ अपना तालमेल डॉक्टर को दिखाती है। तभी एलिटा की उंगली में प्लाज्मा निकल आता है, तो डॉक्टर बताता है ये सूट हवा को खींचकर प्लाज्मा चार्ज बना रहा है, शायद ये भी तुम्हारा हथियार हो।
फिर एलिटा ह्यूगो को अपनी नई बॉडी दिखाकर कहती है, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हूँ। ह्यूगो उसको देखकर खुश हो जाता है और वो उसके सेंसेस को चेक करता हुआ उसको किस करता है। एलिटा उसके किस को फील करती है और फिर खुद भी उसे किस करती है। इधर ग्रिविश का हारकर वापस शेरिन के पास आता है। वहाँ वेक्टर के शरीर में नोवा बताता है, तुम एलिटा को हर बार कम आंक रहे हो। वो मार्स और हमारी पृथ्वी दोनों ग्रहों का सबसे बेहतरीन हथियार है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसको खत्म करके उसका दिल मेरे लिए लेकर आओ। ग्रिविश का वैसा ही करने का वादा करता है। अगली सुबह एलिटा ह्यूगो से मिलने आती है। वहाँ एलिटा को पता चलता है कि ह्यूगो को वेक्टर पैसे के बदले स्काई सिटी भेजेगा, इसीलिए वो वेक्टर के साथ काम करता है। तो एलिटा उससे कहती है, तुम हमेशा से यही चाहते थे कि तुम स्काई सिटी जाओ। एलिटा उदास होकर उससे पूछती है, तुमको वहाँ जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? तो बताता है 90,000। तो एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर दिखाती है और उसको बताती है ये मार्स ग्रह का है, इसमें इतनी बिजली है जो आयरन सिटी को सदियों तक बिजली दे सकता है, तुम इसे बेचकर स्काई सिटी जा सकते हो। ह्यूगो उसकी बात सुनकर वैसा करने से मना कर देता है। फिर वो उसको बताता है हमारे पास एक तरीका और है, क्यों ना तुम मोटरबॉल स्पोर्ट्स को जीत लो, इससे हमारे पास बहुत पैसा होगा, फिर हम दोनों ही स्काई सिटी जा सकते हैं। एलिटा उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ जपान ह्यूगो और एलिटा के खिलाफ कुछ प्लान बना लेता है। अब डॉक्टर एलिटा को मोटरबॉल के लिए तैयार करके उसको एक पुरानी शील्ड और हेलमेट देता है। इधर वेक्टर बाकी सभी खिलाड़ियों के पास आकर उनको एलिटा को मारने के बदले 5,00,000 रुपए देने का वादा करता है। स्टेडियम में पहुंचने से पहले ही ह्यूगो और उसके दोस्त की आपस में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ जपान आकर ह्यूगो के दोस्त को मारकर ह्यूगो के ही नाम लगा देता है और वो ह्यूगो को मारने जैसे ही बढ़ता है। ह्यूगो जपान से बचने के लिए भागता है। इधर डॉक्टर को पता चलता है कि खेल में खेलने वाले खिलाड़ी नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ हथियारे और कुछ शिकारी योद्धा हैं। डॉक्टर सारी बात एलिटा को बताकर उसे खेल छोड़ने के लिए बोलता है, पर एलिटा खेल में ही बने रहने का फैसला करती है। अब शेरिन समझ जाती है स्काई सिटी भेजने वाला वादा झूठा है। खेल शुरू हो जाता है। वो लोग एलिटा को मारने के लिए उस पर हमला शुरू कर देते हैं। एलिटा एक एक करके उनको खत्म करने लगती है। उसी बीच ह्यूगो एलिटा को कॉल करके बता देता है कि जपान मुझको मारने आ रहा है। उसके बाद सुनते ही एलिटा बीच खेल से ही स्क्रीन को तोड़ती हुई बाहर निकल आती है। बचे हुए शिकारी भी उसके पीछे लग जाते हैं। वो एलिटा को पकड़कर जैसे ही मारने वाले होते हैं, एलिटा उल्टा उनको ही मार देती है। इधर जपान ह्यूगो को मारने के लिए अपनी तलवार चला देता है, पर एलिटा वहां कर उसको रोक देती है। तो जपान एलिटा को बताता है ह्यूगो पर इनाम रखा हुआ है और अब तुम इसको बचा नहीं सकती। एलिटा ये जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ह्यूगो सारी सच्चाई उसको बता देता है, ये सब जपान का किया धरा है और उसी ने मेरा नाम लगा दिया। अब जपान फिर से ह्यूगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एलिटा फिर से उसे रोक देती है। तो जपान उसे कहता है मुझको रोक कर तुम हंटर कोड का उल्लंघन कर रही हो। तो एलिटा कहती है ये मेरा शिकार है। तो जपान उससे कहता है तो उसे मार डालो। एलिटा को वैसा करने में परेशानी होती है। तो जपान अपनी तलवार ह्यूगो के पेट में घुसा देता है। फिर सेंचुरियन के आने से पहले एलिटा ह्यूगो को उठाकर बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। वहाँ ह्यूगो उसे बताता है अगर तुम मुझको जिंदा ले गयी तो सेंचुरियन हम दोनों को ही मार डालेगा। उसकी बात सुनकर एलिटा बहुत रोती है। तभी वह शेरिन आ जाती है। वो एलिटा के आंसू पूछती हुई उसे कहती है इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है। फिर एलिटा उस बिल्डिंग के बाहर आती है और ह्यूगो का कटा हुआ सिर सबको दिखाती है। सेंचुरियन कंफर्म कर देता है कि ह्यूगो मारा गया, लेकिन तभी जपान को उस पर शक हो जाता है। वो एलिटा की जैकेट हटाता है तो देखता है ह्यूगो का सिर एलिटा की नसों से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। तो वो ह्यूगो का उससे सिर छीनता है। तभी वहाँ खड़ा सेंचुरियन दूसरे का शिकार छीनने की कोशिश में जपान को अपराधी घोषित कर देता है। तभी एलिटा बिना समय गवाए जपान से उसकी तलवार छीनकर उसका चेहरा काट देती है। डॉक्टर रीडो ह्यूगो के सिर को मशीनी शरीर से जोड़कर जिंदा कर देता है। फिर वो एलिटा को बताता है कि विक्टर सबको धोखा दे रहा है, क्योंकि आयरन सिटी में पैदा होने वाला कभी भी स्काई सिटी नहीं जा सकता, सिर्फ एक चैंपियन ही वहाँ जा सकता है, और पैसा देकर स्काई सिटी जाने वाली बात सच नहीं है। तो एलिटा उससे पूछती है आपको ये सब कैसे पता? तो डॉक्टर एक राज बताता है कि मैं स्काई सिटी में ही पैदा हुआ था, लेकिन जब मेरी बेटी बीमार हो गई तो उन्होंने मुझको और शेरिन को हमारी बेटी के साथ यहाँ भेज दिया और मैंने खुद ही अपने माथे से स्काई सिटी का निशान निकाल दिया, जैसे शेरिन के माथे पर अभी भी है, और ये सब नोवा ने किया था। इधर वेक्टर को शेरिन का ह्यूगो को बचा
खर्चा लेने वाली बात का पता चल जाता है। तो इस बात पर शेरिन उससे कहती है, अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। तभी वेक्टर कहता है, तुमको वापस इसका सिटी जाना है, मैं तुमको अभी भी भेज सकता हूँ। तो शेरिन उससे कहती है, लेकिन अब जो मुझको चाहिए वो वहाँ नहीं है। इधर एलिटा वेक्टर से बदला लेने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाकर वहाँ मौजूद सारे सेंचुरियनों को खत्म कर सीधा वेक्टर के सामने आ जाती है और उससे कहती है, तुम कभी भी ह्यूगो को स्काई सिटी नहीं भेजने वाले थे। तो वेक्टर उसको एक बॉक्स खोलकर दिखाता है जिसमें 3 जार होते हैं। एक जार में हाथ, दूसरे में दिमाग और आंखें और तीसरे में दिल होता है। वो उसको दिखाकर एलिटा से कहता है, मैं भेजता, जैसे ये देखो शेरिन को भेज रहा हूँ, क्योंकि नोवा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के शरीरों के अनुभव की जरूरत रहती है और सिर्फ यही एक रास्ता है स्काई सिटी जाने का। तभी ग्रिविश्का एलिटा पर हमला करके उसे घायल कर देता है। वहाँ एलिटा को फ्लैशबैक आता है, वो अपने साथियों के साथ स्काई सिटी पर जाने के लिए लड़ रही है और कार्गो ट्यूब पर चढ़कर जा रही है। तभी कार्गो ट्यूब का डिफेंस रिंग एक्टिवेट होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो सब मिलकर उस पर हमला करके उसे तोड़ देते हैं, पर रिंग के टूटते ही ट्यूब भी टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके ज्यादातर साथी नीचे गिर जाते हैं। और एलिटा के गिरने से पहले उसकी टीम लीडर एलिटा को पकड़ लेती है और उससे कहती है, अपना मिशन पूरा करो, जालिम को नष्ट करो। इतने में एलिटा का घाव अपने आप भर जाता है। वो उस तलवार पर अपना प्लाज्मा चार्ज डालती है और ग्रिविश्का को एक ही वार में बीच से काट देती है। तभी नोवा वेक्टर के शरीर में आकर एलिटा से कहता है, तुम तो बच जाओगी, पर डॉक्टर रीडो और ह्यूगो को कैसे बचा पाओगी। एलिटा उसकी बात सुनकर वेक्टर को भी मार देती है। तभी डॉक्टर एलिटा को कॉल करके बताता है, सेंचुरियन को पता चल गया है कि ह्यूगो जिंदा है, उन्होंने सारा शहर सील कर दिया है। तो एलिटा उससे पूछती है, ह्यूगो कहाँ है। डॉक्टर बताता है, वो कार्गो ट्यूब पर चढ़कर स्काई सिटी जा रहा है। एलिटा तुरंत ह्यूगो के पास पहुंचकर उसे रोक देती है और कहती है, तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो ह्यूगो उसको बताता है, मुझ पे इनाम रखा गया है, मैं नीचे जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो एलिटा उससे कहती है, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, नोवा मुझको पकड़ने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। एलिटा को इमोशनल देख ह्यूगो वापस चलने को मान जाता है, लेकिन नोवा ये सब देखता हुआ डिफेंस रिंग को ऑन कर देता है। उससे बचने के लिए ह्यूगो और एलिटा उसके ऊपर से कूदते हैं, लेकिन रिंग की ब्लेड ह्यूगो के टुकड़े कर देती है। एलिटा उसके गिरने से पहले उसे पकड़ लेती है और जैसे ही उसको ऊपर खींचने लगती है तो ह्यूगो के हाथ का लॉक खुल जाता है। इसको देखकर एलिटा दुखी होकर रोने लगती है और ह्यूगो से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसका हाथ टूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। एलिटा चीखती हुई उसको बस गिरते हुए देखती रहती है। समय बीतता चला जाता है। अब एलिटा मोटरबॉल के फाइनल चैंपियनशिप मैच में पहुंच जाती है। अगर वो जीतती है तो वो चैंपियन बन जाएगी और स्काई सिटी जाएगी। उसने अपना चेस्ट नंबर 99 रखा होता है, जो उसका असली नाम था। सब लोग उसका स्वागत करते हैं। नोवा उसको स्काई सिटी से देखता है। एलिटा अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करके उस पर अपना प्लाज्मा चार्ज करती है और नोवा को चैलेंज करती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।